जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत पारिवारिक न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर शुक्ला की मौजूदगी में 29 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर विदाई करवाया गया। पारिवारिक न्यायालय में फ्री टाइम ट्रायल में 5 बैठकें हुई, जिसमें काउंसलर के द्वारा पक्षकारों से बातचीत की गई, जिसमें सफलता प्राप्त हुई। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पारिवारिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर शुक्ला ने बताया। देखिए, मैं पहले बताना चाहूँगा कि मैं राजेश्वर शुक्ला प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट गोरखपुर हूँ। सालसा के निर्देशन में जो है आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट में प्री ट्रायल की भी बात होती है, तो 5 प्री ट्रायल की बैठकें हुई हैं और उसमें हमारे काउंसलर्स होते हैं जो कि पक्षकारों से बातचीत करके उनके बीच में समझौता वार्ता कराने का प्रयास करते हैं, उसमें सफलता भी मिलती है। तो इसके तहत हमारे यहाँ 5 प्री ट्रायल की बैठकें हुई हैं। इसके अलावा एक व्यवस्था जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की है कि न्यायालय में मुकदमा दाखिल करने के पहले कोई भी व्यक्ति जो है जो पीड़ित है कहीं से, तो वो अपना एक प्रार्थना पत्र देता है सचिव को, बस इसको हम लोग प्री लिटिगेशन वाद के रूप में ले लेते हैं। उसमें विपक्षी को नोटिस दे करके फिर मीडिएटर्स के माध्यम से, उसमें बेंच होती है, उसमें हम भी होते हैं, हमारे और अधिकारी होते हैं, अलग अलग बेंच बनी है, तो ये लोग जो है उसमें पक्षकारों से वार्ता करते हैं और चाहते हैं कि कोई मामला न्यायालय में आए उसके पहले ही उसको निस्तारित कर दिया जाए। तो ऐसे आज की तारीख में जो है कुल जो है 20 मामले तो हमारे कोर्ट में रहे हैं, जिसमें पक्षकार साथ साथ जाने के लिए सहमत हुए, हमारे मीडिएटर्स ने बहुत प्रयास किया और वो साथ आज विदा होकर के गए हैं। 7 मामले हैं सेकंड एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में और 2 मामले जो हैं फर्स्ट एडिशनल प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट में हैं, जिसमें पक्षकार साथ साथ गए हैं। बाकी मामलों में पक्षकारों से बातचीत की कि भैया अगर नहीं साथ रह सकते हो तो कुछ और रास्ता निकालो, तो वो इस बात के लिए सहमत हो गए हैं कि वो पारस्परिक सहमत से भी विवाह-विच्छेद का मुकदमा दाखिल करेंगे। इसके अलावा भी कोर्ट में जो है और भी मुकदमे नियत थे, जैसे एग्जीक्यूशन के केसेस थे, मैट्रिमोनियल केसेस थे, मेंटेनेंस के केसेस थे, उसमें भी सुलह हुई है।